वृंदावन में चारों तरफ उदासी छाई थी। कृष्ण विदा हो रहे थे। कुछ दरख्त पैरों से लिपट गए। आपने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज हम बांस के दरख्त, आपने हमारी मुरली बना के हमें अपने होठों से लगाया। आपके जाने के बाद लोग हमें ईंधन समझकर जलाएंगे। कृष्ण बोले, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब तक संसार में आवन जावन लगा है, कृष्ण को मानने वाले रहेंगे, तुम्हें होठों से लगाया जाएगा, तुम हमेशा लबे माशूक रहोगे। तो हरि की वही मुरली आज हरि प्रसाद चौरसिया के होठों से लगी, उनके सांसों से जुड़ी। यह सत्य है, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। बचपन में वो बांसुरी लेके भागना शायद ऐसा ही एक दिन था। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वही बांसुरी एक दिन मेरी पहचान बन जाएगी। होता था जब कोई अपने बच्चे को माले के गोद में प्यार करती थी, तो मुझे देख के बहुत जेलस फील होता था। और जेलस इसलिए फील होता था कि मुझे ये अवसर नहीं मिला, क्योंकि माँ बहुत जल्दी छोड़ के चली गई थी। माँ के एक्सपायर होने के बाद हमारे पिताजी ने वो फर्ज निभाया, एक माँ का एक पिता का, हम लोगों के पीछे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। कभी हलवा बनाना, तो कभी दूध में घी डाल के पिलाना, कभी पराठा घी में, आटा घी में सान के खिलाना। क्या हाल है? ठीक है। अरे वाह, बढ़िया। बस यही समझ के बचपन यही बीता है, खाते पीते कर, कुछ नहीं कसरत करना, कुछ पी लेना और खाना पीना। वो चाहते थे उनसे भी ज़्यादा उनके बच्चे ताकतवर। और ये जो खाएगा ना, वो करीब 200 साल जिंदा रहेगा। भगवान ने इसलिए उनको बनाया था कि मुझे ताकत दें, मुझे मानसिक शारीरिक ताकत दें, ताकि मैं बांसुरी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकूं और अच्छी तरीके से सारी दुनिया में घूम के लोगों को उसका जो एक स्वर का आनंद है वो दे सकूं।
हमारे घर के बगल में संगीताचार्य पंडित श्री राजा राम जी रहा करते थे। उन्होंने जब सुना कि कोई लड़का रात में भी बजाता है और दिन में भी बजाता है कुछ, तो पता लगाया कि वो तो अपने घर के बगल के पहलवान जी का लड़का है। वो बांसुरी सुनकर बहुत ही खुश हुए और तालीम देने के लिए अपने पास बुला लिया। पंडित राजा राम जी, गुरु जी, जब मैंने संगीत का पहला अध्याय सीखा, जैसे जैसे मेरी शिक्षा बढ़ती गई, हमें एहसास हुआ कि गायन शायद मेरे बस की बात नहीं। उत्साह और लगन के बावजूद एक अच्छे गायक से जिस वोकल रेंज की अपेक्षा होती है वो मेरे में नहीं थी। मैं निराश तो हुआ, लेकिन इसके परिणाम से मैं बांसुरी की तरफ उत्साहित हो गया। मैं अपने बाबूजी को हर हाल में खुश देखना चाहता था। मन को किसी भी तरह समझा कर रोज सुबह अखाड़े के लिए तैयार हो जाता। उनकी खुशी के आगे यह एक छोटा सा त्याग था। मुझे जल्दी उठना पड़ता था। सोने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन जब ऊपर से एक मार पड़ जाती थी तो याद आता था कि मार पड़ने से पहले उठ जाऊँ, क्योंकि उनका हाथ पहलवान का हाथ एक बार पड़ जाएगा तो उंगलियाँ नजर आएंगी, लोग बोलेंगे क्या हुआ। उस समय में मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि ये क्या मट्टी में जाके लड़ाई करना, और मुझे कोई पटक दिया मेरे ऊपर बैठा है, मैं किसी को पटक दिया उसके ऊपर बैठा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैं पीछे पीछे, मुझे जो अपना अपनी जो एक लालच है, मानसिक लालच, तो वो पूरी करने के लिए मुझे दूर कहीं जाना पड़ता था। अखाड़े के बाद गंगा जी में डुबकी और तैर कर उस पार जाना, मिट्टी भी धुल जाती थी और शांति से मैं अपनी बांसुरी लिए संगीत का अभ्यास भी कर लेता था। मेरी बांसुरी को एक दिशा की आवश्यकता थी। फिर एक दिन मैंने आकाशवाणी पर एक मधुर बांसुरी सुनी। आकाशवाणी पहुंचा तो देखा वहां पंडित भोलानाथ जी कार्यक्रम दे रहे हैं। मैं उनके पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके पास शिक्षा लेना प्रारंभ करूं। उन्होंने मेरे हाथ में बांसुरी दिया और आज वो सारी दुनिया में वो बांसुरी घूम रही है और भोलानाथ जी का नाम। समय और उम्र के साथ अपने समाज को दिखाने के लिए मैं अब कुछ करना चाहता था, कुछ कमाना चाहता था। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग ये सीख लोगे, बहुत टेक्निकल चीज है, तो मैं नौकरी दिलवा दूंगा। अगले दो वर्षों तक मैंने दिन रात टाइपिंग करते करते अपनी टाइपिंग की स्पीड 45 शब्द प्रति मिनट बढ़ा ली। मेरी उंगलियों ने तब भी मेरा साथ दिया। 85 रुपये में, 85 मतलब जैसे आज 25,000, ऐसी नौकरी मिल गई तो इतना मेरी क्या कहना चाहिए, मेरी पूजा हुई मेरे दोस्तों के भीतर और मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में लड्डू बांटे और सब लोग लड्डू खा रहे, खुशियाँ मना रहे, जैसे कोई बहुत बड़ा वॉर जीत गया। तो नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद मेरी, लेकिन इच्छा मेरी यही थी कि मैं किस तरीके से कलाकार। एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि आपको यहाँ से उड़ीसा जाना। मैंने कहा मेरी तो नौकरी है यहाँ पर। बोलिए वो आपको 85 की नौकरी 160 रुपये मिलेगा। जिस दिन जाने लगा उस दिन मैंने पिताजी को कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बांसुरी बजाने के।
ये तुमने कब सीखा, कब कहाँ किया? उनको तो कुछ मालूम नहीं। तो थोड़ी देर के बाद मैंने पहली बार देखा उनको, उनके आँख में आंसू, एक पहलवान के आँख में आंसू। लेकिन मैंने ये निश्चित किया कि मैं जाऊँगा। सन 1957 कटक। आंखों में ढेर सारे सपने और हाथ में बांसुरी लिए एक दिन मैं कटक आ पहुंचा। He had come by an early morning train, didn't know a thing about Orissa, he told me later that he got into a rickshaw, and then I met him in my room. रेडियो के डायरेक्टर थे मिस्टर पीवी कृष्णमूर्ति, उन्होंने मुझे रिसीव किया और बोले बेटा तुम, मैंने कहा मैं रहूंगा कहाँ? You can stay in the upstairs, there is a library and there is a store room. There is a fan. Then I said, "Kuch bajao." I think he played a kajri. Iska folk do hai. The blow was fantastic. I knew this man is going very high in life. Musical activities जो होती है उड़ीसा में बहुत हो गई, जैसे नृत्य की लोगों में ये क्या कहना चाहिए इच्छा थी देखने की, वैसे ही संगीत को भी सुनने की इच्छा हो गई। Another great quality in Hari Prasad, he could easily make friends, very easily make friends. Humorous fellow and a jolly good chap. No wonder he was very popular with the girls. They used to insist, come and tell me, please sir, ask Hari Prasad to accompany us. जी ने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं हमारे लिए और दूसरे आर्टिस्टियों के लिए भी, ये भी उन्हीं की कंपोजिशन है। हमारी मुलाकात आकाशवाणी कटक में हुई, मैं वहाँ एक कैजुअल आर्टिस्ट थी। उन्होंने इतने अच्छी तरह से उड़ीसा की कल्चर और उड़ीसा की भाषा, उनकी खान पान, हर एक चीज़ को इतने अच्छी तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कटक अब मुझे घर सा लगने लगा। मैं यहाँ बहुत खुश था, अब इस शहर को छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर एक दिन मुझे मेरे तबादले की खबर सुनवा दी गई, मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। But something in me told me that this is going to do him good. सन 1960 बम्बई शहर, मेरे संगीत की यात्रा का दूसरा पड़ाव। आई वॉज वेरी मच ओवरवेल्म विथ जॉय। मुझे लगा कि अरे बाप रे, हम कहाँ आ जाएंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, लता जी से मिलेंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे सपने लिए हम लोग बॉम्बे आ गए। ऑल इंडिया रेडियो में उनको किसने सुना, खास करके मास्टर सोनिक। उन दिनों अरेंजर थे मदन मोहन जी का, म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी का। तो उन्होंने जब सुना, उन्होंने चारों तरफ प्रचार कर दिया कि अरे एक लड़का आया है बहुत अच्छा बजाते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहिए। फिर वही शाम, वही तन्हाई है, दिल को समझा। तो वहाँ से सब लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करने के लायक हूँ। तभी से लोगों ने मुझे अपनाया और बहुत प्यार दिया और बहुत कुछ सिखाया। बड़े लोग चक्कर काटते थे, लेकिन मैं एक भाग्यशाली था कि मुझे जो भी देखता था, मुझे सुनता था या मुझसे बात करता था तो अपना लेता था। नीते
सुबह 7 से लेकर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक स्टूडियो में। अपने पॉकेट में ब्रश रखा था, वहीं ब्रश कर लिया, सामने कुछ होटल में जाके नाश्ता कर लिया और काम करता था। फिल्म इंडस्ट्री में जो सीखने वाली बात है कि ऑर्केस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, गाने के साथ कैसा होना चाहिए, गाना कहाँ फिल्माया जाने वाला है, शाम है या रात है या बारिश हो रहा है, बहुत डिटेल वर्क में वो काम करते थे। वहाँ एक्टर्स भी होते थे, एक्ट्रेसेस भी होती थी, सेट पे भी आते थे और हम साथ में काम करते थे। इतना साधना किया, इतने उन्होंने रियाज किया, एक बंद कमरे में बैठ के पसीने में तर और घंटों घंटों रियाज करते थे। उन्होंने एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं किया। ऐसे होते हैं कि वो इस जन्म के नहीं होते, वो पिछले जन्म से चले आ रहे होते हैं और हम भूल गए होते हैं कि इस शख्स से मेरा पुराना कोई नाता है, लेकिन जब मिलते हैं तो वो सहजपन, वो अपने आप जो ऐसा लगने लगता है कि नहीं पहली बार नहीं मिले हैं, पता नहीं कब से जानते हैं, तो मेरा हर जी का ऐसा रिश्ता है। सबसे पहले हमारा जो जॉइंट वेंचर जिसको हम कह सकते हैं, कॉल ऑफ द वैली हमने किया 1967, वो अपने तरह का एक अलग अंदाज का रिकॉर्ड था। एक थीमेटिक म्यूजिक पहली बार कोशिश की गई, शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित एक कहानी को कहना है। सेवेंटीज़ में मुझे पंडित रविशंकर जी, जॉर्ज हैरिसन ऐसे बहुत सारे लोगों का प्यार और साथ मिला। ये जो टूर था ये हमारे जॉर्ज हैरिसन वन ऑफ द बीटल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। हम सारी दुनिया के कलाकारों के साथ काम करें, लेकिन एक मेरे मन की जो इच्छा थी, अंतर आत्मा की इच्छा जो थी, वो यही कहते थे कि नहीं, क्लासिकल बजाओ, सोलो बजाओ, अकेले बैठो, अकेले संगीत के बारे में सोचो। यही मेरी धार्मिक जीवन की एक नई शुरुआत थी। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ संस्कृति, कुछ प्रकाश, कुछ ऐसी चीज़ उमड़ के आ रही है जो मुझे एक नया जीवन दे रही है।
गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी, जो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान की एकमात्र सुपुत्री हैं, उनके पास जब मैं गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने 3 साल तक मुझे देखा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि मेरे पास आपको सिखाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तो सितार वादिका हूं और आप बांसुरी बजाते हैं, मैं आपको कैसे सिखा सकती हूं। माँ मुझे आपसे सितार नहीं सीखना है, मुझे संगीत सीखना है, वो संगीत जो कि मैं अपने बांसुरी में बजा सकूं, एक अलग प्रकार का संगीत होगा, लोगों को उसकी पहचान अलग होगी, उसकी ध्वनि अलग होगी, उसकी सोच अलग होगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा अवसर दिया और कहा कि ठीक है मैं तो वो देखूंगी सिखाऊंगी। तो मैं रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे जाता तो पहले कुछ कुछ खाया, उनका नहीं खाया पर खा लो, नहीं नहीं चलो खा मिठाई है ये खिला कर फिर बैठती थी रात को 2-3 बजे और कहते थे जहाँ पैसा मिले इज्जत मिले वहाँ नहीं छोड़ वो करके फिर मेरे पास आना मैं तुम्हारे बैठूँ। अक्सर ये होता है कि जो हम कलाकार हैं हमारे ऊपर वाद्य यंत्र हावी होता है, हम कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ बच जाए हमसे। ये उन कलाकारों में से हैं जो अपने वाद्य यंत्र पे हावी हैं, इस वजह से अपनी अनथक साधना से। इंडस्ट्री में बड़ी चर्चा हो गई कि ये यश चोपड़ा जी को क्या ख्याल आया है कि वो क्लासिकल म्यूजिशियन जो हैं इतनी बड़ी फिल्म अपनी उनको दे रहे हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहें हैं गुल के सिलसिला फासले विजय लम्हे चांदनी डर साहिबा परंपरा सब कार्य कर दिया और सब लोग अच्छा कर दिया। कभी मैं संजीव कुमार जी बहुत बड़े एक्टर थे तो उन्होंने बोला भैया एक बात बताऊं हमारी पिक्चर में थे ना सिलसिला में, वो बोले मैं हरि प्रसाद चौरसिया को हरि के नाम से नहीं देखना चाहता, उनको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के नाम से देखना चाहता हूँ, उनके हाथ में बांसुरी हो हारमोनियम नहीं, ये मेरी इच्छा है। तो मुझे लग गई बात, हो बहुत बड़ी बात लगी, मैंने कहा ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक में एज ए इंस्ट्रूमेंट सिर्फ गायकी बड़े ख्याल की गायकी के अंग से नहीं बल्कि तंत्र के वाज में जिसमें के ताल का मज़ा लेना चलन का मज़ा लेना तिहाइयाँ बननी झाला बजना ये सब जो कि सितार और सरोद की खासियत है वो आपको फ्लूट में बांसुरी में नज़र आ रही है। ये किसने किया पहले? किसी ने नहीं किया, लेकिन हरि जी ने ऐसा काम किया कि अपनी लाइफ में वो ये देख पा रहे हैं कि फ्लूट बांसुरी दुनिया भर में उसकी कितनी प्रेरणा हो रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन को मानना पड़ेगा कि ये इनह्यूमन पॉसिबिलिटीज जिसको कहना चाहिए वो है। Thank you.
को हम वर्ल्ड म्यूजिक बोलते हैं, न्यू एज म्यूजिक बोलते हैं, उन लोगों के साथ भी बैठते हैं तो वो लोग हमारे शायद हरी जी की क्लासिकल की बात नहीं कह सकते, लेकिन ये उनकी बात कह जाते हैं। मैंने देखा है कि कॉन्सर्ट में जब वो बजा रहे हैं तो लोग लिटरली दे आर क्राइंग। सो वी आर ऑलवेज इन सर्च कि हम भी तो सेम फ्लूट बजा रहे हैं, सेम राग बजा रहे हैं, ऐसी क्या बात है उनमें, वॉट ही इज थिंकिंग एट द मोमेंट एंड हाउ ब्यूटिफुली ही एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज इंस्ट्रूमेंट। ये सब चीज हमें अभी सीखना भी बाकी है। सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वर करिष्यति स एवास्म। बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए जिनको कला से प्यार है, उनके लिए कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारी पुरानी पद्धति में कई सौ साल पहले गुरुकुल पद्धति होती थी। तो सपना था गुरुकुल बनाने का, और वो गुरुकुल का सपना आया मेरी गुरु माँ से। तो उनका एक गुरुकुल था उनके पिताजी के नाम से मैहर में, जिसको हम मैहर घराना कहते हैं। तो भगवान की कृपा से वो सोचा, गुरु माँ को देख के मैंने कहा मैं भी अगर उनकी फॉलोइंग में थोड़ा सा कर जाऊँगा तो अच्छा रहेगा। तो इनके आशीर्वाद से ही हमारे गुरुकुल का निर्माण हो पाया, जिसको हम कहते हैं वृंदावन गुरुकुल। जहाँ बच्चे अपने आप को सरेंडर कर लें, गुरु को अडॉप्ट कर लें, ये तुम्हारा घर है, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, हम ही तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तो सारी शिक्षाएं तुमको मिलेंगी। शायद मैं नहीं ले पाऊं, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिनको लेना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, श्री अजीत केरकर जी, श्री रतन टाटा जी, इनके आशीर्वाद से ही मेरे गुरुकुल का निर्माण हो पाया। गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि तुम तुम्हारी तरह बजाओ, तुम मेरी तरह बजाओगे तो लोग मुझे सुनेंगे, तुम्हें क्यों सुनेंगे। मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी माँ, मेरी गुरु माता दोनों साथ में मुझे मिल गए हैं। ये भी एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। उनसे मैंने जो कुछ सीखा, जो शैलियां सीखी, जिसको हम कहते हैं ध्रुपद, ख्याल, अलंकार, ठुमरी,
चैती कजरी इतना बड़ा दर्शन, संगीत का दर्शन मुझे नहीं लगता कि और किसी घराने या किसी के शैलियों में हो जो हमारी गुरु माँ की शैली में था। उन्होंने एक ही बात कहा मुझे कि जो आलाप है इसको आप जितना लंबा बजा सकोगे विदाउट रिपीटेशन, तो कोई रिपीट नहीं, और उसका आनंद ले सकोगे। ये नहीं कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं सारेगा रेगा गा रेगा गा सारेगा, कितनी अच्छी तरीके से उसको इम्प्रोवाइजेशन के रूप से स्लो जो फ्रेजेज हैं लंबा नोट ये उसको कितने अच्छी तरीके से कर सकते हो। टाइम मत देखो, म्यूजिक को देखो, अगर वो ठीक हो गया तो समझिए संगीत सच गया। सिखाती थी तो एक ही राग सिखाती थी या अलग अलग? अभी तक तो एक ही राग चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि एंड होने वाला इस जन्म में, आगे के जन्म में भी चलता रहेगा। उनका है कि अगर एक चीज परफेक्ट कर लिया तो दूसरे राग भी खूबसूरत हो जाएंगे। बदले में कभी भी उन्होंने कुछ नहीं लिया। शायद उनकी मुझसे उतनी ही उम्मीद थी कि उनकी दीक्षा शिक्षा और मार्गदर्शन पर मैं खरा उतर सकूं। इसकी कोशिश मैं आज भी भक्ति से करता हूं और अपनी अंतिम सांस तक करता रहूंगा। कहता हूं भारतीय संगीत के लिए हरि प्रसाद ये वाकई ही हरि का प्रसाद है। ऐसा इंसान इस दुनिया में बार बार नहीं आता है, सिर्फ संगीत के लिए नहीं, एक इंसान करके। ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी के लिए समझना चाहिए कि वाकई ही सहकार्य करना कैसे होता है, उनके साथ काम करने का आनंद इस शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया है। ये कौन सी जगह है? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत जगह है, जन्नत है। मुझे सबसे अच्छा हॉलैंड लगता है और ये हॉलैंड में रोटे जाने लगा। ये मेरा इंस्टीट्यूशन, इसको कहते हैं रोटेडम कंजर्वेटोरियम। वहाँ बच्चों से मिलता हूँ, हर देश के बच्चे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई 10-15 साल से जो भी बच्चे जैज़ डिपार्टमेंट के हैं, रॉक हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, उनको सबको इंडियन म्यूज़िक से बहुत भक्ति हो गई है और उसके बारे में न बजाएं लेकिन उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत अजीब लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इसे नीचे जमीन पे बैठे, नीचे जमीन पे प्रणाम करना, जूते बाहर उतारना, जमीन पे बैठना, उंगलियों से खाना तो चम्मच और छुरी से नहीं, और वेजिटेरियन खाना। ऐसा करेंगे तभी तो इंडियन म्यूजिक और इंडियन कल्चर के बारे में उनको ज्ञान होगा। Was like a sign that still in this world there are pure things and something that is true, like in this so materialistic age. And when I first heard his music, I was in a confused period in my life, and listening to his music gave me inspiration and the hope that there is something beautiful in this world.
ladies and gentlemen, I would like to address a few words to our guest of honor here on the stage, a man who has worked for a very long time on the exchange of culture between India and the Netherlands. Pandit Hariprasad Chaurasia, India can be rightfully proud of you, and you have been a wonderful ambassador in bringing Indian culture to the Netherlands. Her Majesty the Queen takes great pleasure in appointing you an officer in the Order of the Orange Nassau, and I'm very proud to be able to pin on you the decoration. अच्छी नहीं लगती, वो इतना काम करते हैं दिन रात, सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ संगीत उनके लिए सब कुछ है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि बस हो गया, आप थोड़ा सा धीरे चलिए, थोड़ा इतनी भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो म्यूज़िक उनके लिए है, इट्स लाइक एन ऑक्सीजन, यदि वो बजाएंगे नहीं तो वो मुरझा जाएंगे शायद सूरजमुखी की तरह। वो कहते हैं जब तक मैं बजा पाऊंगा मैं बजाऊंगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हमारे साथ घर पे रहते थे, हम उनके साथ घर पे रहते थे, फिर गुरुकुल होने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ रहने लगे, फिर घर इतना आते नहीं, हम इतना बुलाते हैं कभी आइएगा, लेकिन नहीं, ही इज़ हैप्पी इन हिज गुरुकुल, अपने शिष्यों के साथ उनको अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा? मैं बजा रहा हूँ अच्छा, ना आप लोग गा रहे हो अच्छा। आप बजा रहे हैं अच्छा, गाना बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई नहीं, क्या बात कर रहे हो, क्या बढ़िया दोनों ने गाया, वाह। अच्छा गाने के लिए क्या जरूरी है? ताल और सुर। बहुत जरूरी है, जैसे हमको रहने के लिए धरती और आकाश दोनों की बहुत जरूरत। गुरुकुल के आने से एक और साथ छूटा, वो गृहस्थ और परिवार का। सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो व्रज। मतलब उनमें नॉटीनेस और फन, उनके साथ जितना एंजॉयमेंट मुझे मिला है सफर करके, शायद ही किसी कलाकार के साथ मिला होगा। और जब वो स्टेज पर बैठे हैं और सुर लगा रहे हैं, एक एक घंटा आलाप कर रहे हैं, क्या पावर उनके छाती में होगा, तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि भगवान नजर आ रहे हैं। Thank you.
वर्ष में एक दिन आता है जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, उस दिन मेरी पूजा होती है और उस दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा इंसान का जन्म हुआ अगला जन्म तो उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे संगीत का क्षेत्र चाहिए जिसमें मुझे बांसुरी ही बजानी है। और फिर भगवान से एक और प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे इंसान का जन्म देना तो मेरी गुरु माँ को भी जन्म देना जिनसे फिर भी मैं संगीत की शिक्षा लेता रहूँ। तुझे मुरली की जान अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरी मुरली को दिल का मुसफर यूं ही नहीं कहते, सुनी सबने मोहब्बत की जुबान आवाज में तेरी धड़कता।